गुड मॉर्निंग सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 15 दिसंबर और अभी भी हम चंदन भाई के नानी के घर पे ही है और हम रात में यहीं पे सोए थे और भाई लोग इधर सोए थे। काफ़ी अच्छा नींद आया हमको रात में और यहीं पे खाना वाना भी खाए थे काफ़ी अच्छे से। नाना भी बहुत अच्छे थे और बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पे। तो फिर अभी चंदन भाई मेरे लिए गर्म पानी करवाने गए हैं। वो गर्म पानी लाते हैं तो फिर गर्म पानी लेके फिर मेरे साइकिल सब रेडी है, सामान वामान सब उस पर रखा गया है। उसके बाद सब साइकिल लेके आज चितरंजन पहुँचने की कोशिश करेंगे। चितरंजन आपका बंगाल में पड़ जाता है। तो देखिए आज कहाँ तक पहुँचते हैं। शायद चितरंजन 60 किलोमीटर के आसपास है। अभी 7:30 बज रहा है तो अभी लगभग 5-10 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए निकलते हैं, अभी तो आपको दिखाते हैं। आज सुबह की यात्रा ये सारठ से शुरू कर रहे हैं और ये हमारे नाना जी हुए। अरे मत पड़ो। आज रात हमारे यहाँ ही स्टे किए हुए थे भैया। फोन करते हैं जो हमारे लो फोन नंबर वहाँ। हाँ 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 भाई को मैसेज करते रहे। हाँ, बस नाना आशीर्वाद दीजिए पूरा हो जाए। एकदम पूरा होगा। चल हाँ पूरा हो जाएगा बाबू। अभी जस्ट चंदन भाई के घर से निकले थे तब तक भाई लोग मिल गए। तो इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो और मोटिवेशन हमको अंदर से मिलता है। तो भाई भाई मथुरा से हैं, यूपी से, और सब सब यूपी से है ना? आप झारखंड से हैं? अच्छा भैया झारखंड से हैं और बाकिया भाई लोग सब यूपी से हैं। आप भी यूपी से हैं ना? अच्छा तो भाई उन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर बात करके अब आगे निकलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी भी चित्रा 8 किलोमीटर बचा है और मैं जस्ट जा ही रहा था तो भैया हमको चाय पीने के लिए बुलाएं। और ये जो भैया है ये भी दर्शन ही कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का। और भैया हैं गुजरात से और भैया साइकिल से चलते, ये भी इनकी साइकिल वहाँ पे खड़ी है। तो देखिए साइकिल से हम अकेले नहीं है, भैया लोग भी हैं। तो बहुत बढ़िया लगा भैया आपको देख के, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने चाय पिया है, अब बस यहाँ से निकलेंगे। अभी चित्रा क्रॉस करके जामताड़ा पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जामताड़ा टोटल 20 किलोमीटर है। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन था तो यहीं पर हम रुक गए हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे लोकेशन था तो हम सोचे कुछ यहाँ के नेचर को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें। तो झारखंड में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ के लोग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। और समझ लीजिए हर 2-3 किलोमीटर में कोई न कोई भाई मिल जा रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई सब, और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आज हो सकता है मैं झारखंड को बाय बाय बोल के बंगाल में घुस जाऊँ। तो देखे कब तक मैं बंगाल इंटर लेता हूँ। तो अभी मैं कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करूँगा, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। तो आपसे रास्ते में मिलेंगे या तो सीधा फिर जामताड़ा मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिलते हैं आपसे। यहाँ से भी जामताड़ा 15 किलोमीटर के आसपास बचा है और हम अजय नदी के ब्रिज पे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे अजय नदी है झारखंड में, और डिस्ट्रिक्ट शायद देवघर डिस्ट्रिक्ट ही लगता है यहाँ पे अभी, क्योंकि मैं चित्रा से आगे ही हूँ। तो इस तरह से यहाँ से कुछ काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी नदी है अजय नदी। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा यहाँ रुक के आराम करते हैं, उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं। जामताड़ा लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बचा है, तब तक अपने भाई लोग कुछ मिल गए तो भाइयों से बात करके बहुत बढ़िया लगा। यही भाई लोग जब मिलते हैं रास्ते में तो अलग से मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो फिर भाई से बात करके फिर आगे आपसे मिलते हैं। जामताड़ा लगभग 8 किलोमीटर के आसपास बचा है और भैया ने हमको यहाँ पे पानी वानी पिलाया रोक के। तो ये दुकान है ना भैया का? दुकान है, भैया का दुकान है यहाँ पे, और साइकिल अपनी वहाँ पे है। तो अभी भैया से बात करके उसके बाद रोड पे निकलते हैं। और भी भैया लोग हैं अभी वहाँ पे फोटो वोटो ले रहे हैं अपने शादी का। तो भैया से बात करके आपसे रोड पे मिलते हैं जामताड़ा के पास। अभी जामताड़ा लगभग 4 किलोमीटर बचा है। आज जान लीजिए हम हर 1 किलोमीटर के बाद हमको रुकना पड़ रहा है। इतने प्यारे प्यारे भाई मिल रहे हैं और इतना सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से हमको मतलब जाने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता ही है कितना लंबा मेरा यात्रा है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं भाई लोग मिल गए हैं, सारे भाई हमसे बात किए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा लगा। आज शायद हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये हमारे जो भाई हैं
को आप लोग मदद कीजिएगा जहाँ पर भी है। झारखंड लोग इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा भैया का, है ना भैया। यहाँ पर भी भैया देखें दिखाई आपको देंगे, सपोर्ट कीजिएगा इसको। कोई भी चीज़ हो, दिक्कत होगी तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, है ना भैया। ठीक है, जामताड़ा पहुंच चुके हैं और ये अभी हम झारखंड में हैं। जस्ट महज 5 मिनट बाद हम सीधा बंगाल में पहुंच जाएंगे। जस्ट सामने वो बंगाल बॉर्डर है, अभी आपको दिखाएंगे। तब तक भाई लोग मिल गए रास्ते में, तो कुछ सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, तो भाई लोग बता दिए इसके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको कम से कम बॉर्डर का पता चल गया। तो चलिए आपको बॉर्डर जब क्रॉस कराएंगे तब दिखाते हैं कौन सा कैसा बॉर्डर है यहाँ पर आपका, झारखंड और बंगाल का। ठीक ठीक ठीक, अब इसमें हम बंगाल में पहुंच गए हैं, तो आप सबका स्वागत है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो चलिए अब बंगाल में चलते हैं, झारखंड को बाय बाय बोल दिए। झारखंड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जैसा आप सबको पता ही है, तो अभी पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे जो पेट्रोल पंप ठीक ठाक मिलेगा तो वहीं स्टे लेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जी स्टे का ऑप्शन मिलता है। अभी 3:30 बज रहा है, अभी लगभग हम 10 किलोमीटर जाने की कोशिश करेंगे। और आसनसोल यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो आसनसोल हाईवे हम कल पहुँचेंगे, आसनसोल हाईवे पर कल जाएंगे। तो अभी आगे देखते हैं कोई ठीक ठाक पेट्रोल पंप मिलता है तो वहीं स्टे लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे आपसे मिलते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ व्यू है, स्वागत है आपका वेस्ट बंगाल में, वेलकम बंगाल। आज नाइट स्टे में हम पेट्रोल पंप पे ही किए थे, HP पेट्रोल पंप। यहाँ से 15 किलोमीटर है आसनसोल हाईवे, तो अब हम हाईवे पे जाने वाले हैं। और तो ये ब्लॉग रात में एंड नहीं किए थे, अभी एंड कर रहे हैं। मैं इसी रूम में सोया था रात में, और इस तरह से कुछ पेट्रोल पंप है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा हमको, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो सामान सारा बुक हो गया है, सब लोड हो गया है, अब मैं यहाँ से सब निकलता हूँ। तो ये आपको ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।